नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शाम के 4 से 7 बजे तक कथावाचक व्यास उमेशानंद जी महाराज वृंदावन के द्वारा झामा पुकुर लेन कोलकाता में रखा गया है। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं ये भागवत कथा कैसा रहा, और वीडियो के अंत में ऐसी खबरों को पाने के लिए चैनल वन को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। पूछ बुरा भूपति कथा संका, सकल लोक जग पावहि गंगा, सकल लोक जग पावहि गंगा। माता ने पूछा कथा के विषय में, पूछो रघुपति कथा प्रसंग। प्रभु, मैं पूरी काल जन्म में जब सती थी कथा नहीं सुन पाई, और कथा के मध्य में नींद आ गई, अंत में शरीर छोड़ना पड़ा। अगर ये अमर तत्व तो क्या है, ये भागवत ही अमर तत्व तो महाराज, मैं कथा को नहीं सुन कर पा रही थी, इसलिए इस शरीर को त्याग रहा था। इसलिए कहते हैं, पार्वती शंकर से बोली, पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाऊं। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाऊं मोर, अमर कथा शंकर ने सुनाई, सती गई है सो। तो भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, सती सो गई थी। अच्छा, नींद अगर चारपाई पर चारपाई दे दिया जाए तो शायद आप लोग को नींद नहीं आएगी, किसी को दवा खाकर सोना पड़ता है तब नींद आती है, एक के बजाय दूधी दूधी गोली खाना पड़ता नींद का, तब भी नींद नहीं आती। और कथा में 3 घंटा इतना सुंदर नींद आता है कि ये समझ लो तोशक का गद्दा तकिया सब फेल है। इसलिए कथा कैसी सुननी चाहिए। भगवते नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र ने भगवान का बहुत प्रार्थना, प्रभु मुझसे जो गलती हो गई, क्योंकि जाने अनजाने में गलती हो गई, उसे तो आप माफ कर सकते हैं। इंद्र ने 6 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, और इरावत हाथी को बुला करके यमुना मैया से जल ला करके भगवान का अभिषेक की है, और कामधेनु गैया मैया के दुग्ध से भगवान का स्नान हुआ है। इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। आचार्य जी सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दास्याम निराहाय संभय चरा जनार्दन, अस्नातुं नन्दस्तो कालिंद्यादश जल मिशत। एक बार नंद बाबा ने
एकादशी का व्रत किया। तो एकादशी के व्रत में एक दिन पहले चावल खाना चाहिए, एकादशी के एक दिन पहले, और एकादशी समाप्त होने के बाद दूसरे दिन पारण चावल से करना चाहिए। कार्तिक मास एकादशी के दिन हमें चावल कदापि नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के दिन चावल खाता है निश्चित वह पेट का रोगी होगा और शरीर उसका सुख नहीं पाएगा। जैसे चावल आप देखे होंगे, अगर किसी जल में फेंक दिया जाए तो दूसरे दिन तीसरे दिन वो चावल फूल जाता है, आया ना बोलो, ऐसे ही आपका पेट भी फूल जाएगा धीरे धीरे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किए थे। अच्छा, कभी कभी एकादशी सुबह 7 बजे लगती है तो उदया तिथि एकादशी मान्य हो गई। अब दूसरे दिन एकादशी सुबह 6:30 बजे ही समाप्त होगी। अच्छा, कभी कभी दोपहर को 12 बजे लगती है, 3 बजे लगती है और दूसरे दिन 1-2 बजे समाप्त हो जाता है। तो एकादशी व्रत का मतलब द्वादशी में पारण करना है, त्रयोदशी में नहीं, त्रयोदशी में नहीं। क्योंकि सुबह जैसे लगा है एकादशी 6 बजे 5 बजे और दूसरे दिन मानो 6 बजे 7 बजे समाप्त हो जाएगी। अब द्वादशी लग गई, द्वादशी में तुम्हें पारण करना है, और बीच में कभी छोटी हो जाती थी त्रयोदशी लग जाती, उसमें पारण नहीं करना क्योंकि वो प्रदोष हो गया, ठीक है ना। तो नंद बाबा रात्रि बेला उठ करके यमुना स्नान करने गए हैं। श्याम निराहार, एकादशी का निराहार व्रत किए थे। यमुना में रात्रि बेला स्नान करने चले गए निशाचर बेला। देखो नियमतः 10 बजे के बाद गंगा पहले के समय में लोग सूर्य अस्त हो जाने के बाद गंगा पार नहीं करते थे। अब तो उल्टा हो गया सब, अब लोग 11 बजे रात को नहा रहे हैं, 12 बजे भी स्नान कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि बेला गंगा में या अपने बाथरूम में स्नान नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों, कथा सुनिए। अब यहाँ पर रात्रि वेला नंद बाबा गए स्नान, जैसे कमंडल डुबाए यमुना में वैसे वरुण भगवान की राजधानी है जल के भीतर, तो जैसे कमंडल डुबाए जल में उसी प्रकार उसी समय कुछ समय के बाद वरुण के अनुचरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, अब जब नंद बाबा को पकड़ लिए तो ले जाकर के वरुण लोग यानी कारागार जेल में बंद कर दिए। किसको? नंद बाबा को। अब नंद बाबा ने भगवान को बुला रहे हैं, अजानता माम कीना मूढ़ना कार्य भीना। भगवान को बुलाए नंद बाबा ने, कृष्ण भगवान को जब बुलाए तो भगवान दौड़ करके रात्रि वेला अपने पिता को चुराने के लिए कुबेर के पास पहुंच गए। कुबेर ने जब भगवान को देखा तो घबरा गया, आप प्रभु कैसे पधारे? बोले लो मेरे पिता को बंद कर दिया ना आपके अनुचरों ने। तो कुबेर यहां पर महाराज वरुण भगवान ने कहा, मूढ़ कार्य, हे मूढ़मति,
तूने इनके भगवान के पिता को क्यों बंद कर दिया? बोले प्रभु मैं नहीं जान पाया। तो नंद बाबा को भगवान छुड़ा करके, भगवान ने नंद बाबा को छुड़ा करके ले आई। कहानी का तात्पर्य क्या है कि रात्रि वेला जल स्नान नहीं करनी चाहिए और निवस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना। मेरे गोविंद ने अधरों पे रख करके बांसुरी का निनाद किए। उधम मचायो हर घरी चारी ब्रज मंडल में, आज बांसुरी बजाई श्याम वृंदावन में। गोपियां कह रही थी बताइए मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये बांस निगोड़ी भगवान से कौन सी ऐसी कर्म की कि जो भगवान के अधरों पर चपकी रहती है। अच्छा, इसमें एक छेद नहीं है, सात छेद है जिसे हम सप्त स्वर कहते हैं। इसी से सब कुछ बज रहा है, सप्त स्वर से सारे गामा पदरी निज गोदी के बालक नीचे। बंसी की आवाज सुनकर गोपियां क्या कर रही थी? आचार्य कहते हैं राजन कोई गोपी तो गैया मैया की दूध निकालने गई थी और छोड़ दी, बछड़े को छोड़ दी पीने के लिए, बावरी हो गई कि ये बंसुरी बज रही है। हर गोपी का नाम सुनाई दे रहा है, मेरा यार, मेरा प्रीतम मुझे दीवार रहा है। आचार्य वर्णन करते हैं राजन कोई गोपी तो अंगीठे पर भोजन पका रही थी और इतनी बावरी हो गई कि अंगीठे में पानी डाल दिया, दौड़ी चली आई और यहां पर गोपियां जब दौड़ कर अपनी अपनी, कोई गोपी तो आचार्य कहते कोई गोपी तो तैयार हो रही थी, इतनी बावरी हो गई कि कान का जो पहना जाता है वो नाक में पहन ली और जो गले में पहना जाता हार वो कमर में पहन ली, कमर का करधनिया गले में पहन ली। अरे कोई गोपी तो तैयार हो रही थी, ओठ जो लाल किया जाता है वो अपने ओठ को जो लाल लगाया जाता है वो आंख में लगा लिया और जो जो आंख में काला लगाया जाता है वो ओठ में लगा लिया। ये बावरी हो गई गोपियां। सागर खान इतनी बावरी हो गई गोपी महाराज की पूछो नहीं। लेकिन सब गोपी एक वेदांती माता, वेदांती माने समझते नहीं समझते, बिना दांत वाली माता जिसका कोई दांत ना हो। महाराज वो दौड़ कर जा रही थी, गोपी पूछी माँ तू कहाँ जा रही है? बोली क्या मैं भगवान का मेरे अपने यार को दर्शन नहीं कर सकती?
सारी गोपियां गाती है, बताइए ये बूढ़ पुरनिया गई है इनका क्या काम। तो भगवान से बूढ़ जवान बाल काल कोई भी गति हो, परमात्मा से सब नहीं कर सकता है। सारी गोपियां दौड़कर आ गई हैं, स्वागतम ओ महाभागः प्रियम किं करवाणी वाह ब्रजस्यानामयम् कश्चिद् ब्रूतागमनम् कारणम्। भगवान ने कहा आओ गोपी स्वागत है। भगवान ने क्या कहा? गोपी आओ स्वागत। वो मेरा यार मेरा सखा मुझ पर लीजिए, बहुत प्रसन्न है। गोपियों ने देख करके गोविंद को आह्लादित हो रही है। स्वागतम ओ महाभाग। कंस का केस, भगवान ने कंस का केस को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान ने ऊपर से नीचे ले आया। मुंचा मुंचा मुंचाया, छोड़ो छोड़ो, कौन कह रहा है? कंस। भगवान कह रहे हैं मामा यही दर्द मेरी मैया को हो रहा था। जिस समय मेरी मैया रथ पर बैठ के जा रही थी, जब विवाह आपने किया तो मैया का केस आप ही पकड़े थे, यही दर्द मैया का हो रहा था, यही दर्द मैया का हो रहा था। धरही कपलो कंस ही पायती मृत्यु ही कीना। भगवान ने हाथ रखा और कंस जय श्री हरि हो गया। मान मर्दन भगवान कृष्ण की जय। कंस को राज दिए और इसके बाद क्या हो गया? भगवान ने मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी ने महाराज नामकरण के साथ साथ यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। और भगवान कहाँ गए पढ़ने के लिए? सांदीपनि मुनि के आश्रम में। ये कहाँ है? आप लोग नासिक का नाम सुने होंगे, वहाँ सांदीपनि मुनि माने भगवान कृष्ण के गुरु हैं। क्या होगी? 7 बजे विराम हो जाएगी, इसलिए भोजन आदि करते करते लेट हो जाएगा। मेरी रुक मन एक माँ बाप की, मेरी रुक मन एक माँ बाप की, तेरे दो दो तेरे दो दो तेरे दो दो माँ और बाप जुगरो तेरे दो दो माँ और बाप जुगरो मर्दन भगवान ने कंस का किया और मेरे गोविंद का आज विवाह की कथा चली है। हम विवाह का और उसके बाद मेरे गोविंद आज का जीवन में सबसे बड़ा क्या है कि गोपियों ने भगवान के रास 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को गायन किया। गुरु द्रुह सुर सुरन राग मैंने रो रो करके 19 श्लोक में गायन की और भगवान को चित्त चोर यानी भगवान यही चाहते हैं कि जब मनुष्य को किसी प्रकार का अहंकार हो जाएगा तो भगवान वहाँ से दूर चले जाएंगे। और परमात्मा अगर नजदीक लाना चाहते हैं तो उन्हें भक्ति से प्रेम से ही बुला पा सकते हो, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। ये भागवत के माध्यम से 19 श्लोकों में हम भगवान के गोपियों ने 19 श्लोकों में गायन किया। क्या गायन किया? भगवान को बुलाई और भगवान पुनः आए और महादेव भी इस भी महारास में आए हैं और महारास में आकर के महादेव भी आनंद लिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरा महादेव भी आए हैं और भगवान के प्रथम विवाह का आप दर्शन किए हैं और आज की बहुत सुंदर कथा। जय जय श्री राधे।